दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल पर। बातें होती हैं दोस्तों जो आपको स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं, आज हम उन्हीं के बारे में कुछ बात करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ये वीडियो आपको दोस्तों लाइफ में बहुत काम आने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, क्या होता लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं, जो आपको खुद से सीखनी पड़ती है। तो आज मैं इन्हीं पॉइंट्स पर कुछ बातें करना चाहूँगा आपसे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं जो चीज़ें अगर आपको स्कूल में सिखा दी जाती तो शायद आप ये वीडियो भी ना देख रहे होते। पहली चीज़, स्कूल में कभी भी सोचना नहीं सिखाया जाता है दोस्तों। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स नहीं सिखाई जाती हैं कि खुद से सोचकर कुछ भी, आप किसी भी प्रॉब्लम में अगर फंसे हो तो अपने आप खुद से उसका सॉल्यूशन निकालो और आगे बढ़ सको। और आपको पता ही होगा दोस्तों कि एक आइडिया एक इंसान को ही नहीं, कितने लाखों लोगों को नौकरी प्रोवाइड करता है। एक आइडिया पूरी कंट्री को बड़ा बना सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप गूगल को ले सकते हो, फेसबुक को ले सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट को ले सकते हो। ये सारी कंपनियाँ थी, एक आइडिया था पहले जब उन्होंने ये स्टार्ट किया, उसके बाद ही तो लाखों लोगों को उसके पीछे काम करने का मौका मिला। हर एक कंपनी पहले एक आइडिया ही थी। तो आइडियाज़ आते हैं सोचने से, और सोचना कहाँ से आता है, भीड़ से अलग कैसे सोचें, नहीं कि भीड़ को ही अपने जैसा सोचना कैसे सिखाएं। पर क्या हो कि अगर स्कूल में ही पहले ही आपको सोचना सिखा दिया जाए। अब करते हैं बात दोस्तों दूसरी, पैसा कैसे कमाया जाता है और किन किन तरीकों से कमाया जा सकता है। स्कूल में एक जॉब कैसे पाएं, एक नौकरी कैसे पाएं, वो सब सिखाया जाता है। क्या स्कूल में छोटे बच्चों को मनी मेकिंग माइंडसेट सिखाया जाता है? आप सोच रहे होंगे कि दसवीं के एक बच्चे को ये सब सोचने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर कैसा हो दोस्तों कि अगर छोटी सी उम्र में ही बच्चे के अंदर पैसा कमाने की समझ आ जाए, ये पता चल जाए कि पैसा मार्केट में कैसे वर्क करता है, उसे ये बात समझ में आ जाए, चाहे कोई भी कैसा भी एक स्टूडेंट हो, वो अपनी लाइफ में कुछ भी काम करेगा बट एट दी एंड करेगा तो वो पैसों के लिए ही, राइट। ये एक चीज ऐसी है जिसको कमाने से लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है, और ये पैसा तब आता है जब आप दूसरों की लाइफ को आसान करते हो, तो उससे उसका क्या है, माइंड क्लियर हो जाएगा कि मैं अगर दूसरों की वैल्यूएबल बनाऊंगा तो उसका बेनिफिट मुझे ही होगा। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करूंगा कम्युनिकेशन की। तो जो बिजनेसमैन होते हैं दोस्तों, वो बातों से काफी अच्छा खेल जाते हैं। तो कहीं पे भी जैसे डील क्रैक करनी होती है, दोस्तों के बीच लड़ाई में, झगड़े में, कहीं आप बिजनेस मीटिंग में बैठे हो, कहीं आप फैमिली के साथ बैठे हो, तो आपका कम्युनिकेशन ही आपको एक इमेज देता है। हर जगह आपको अपनी बातों से ही सबको अट्रैक्ट करना होता है। तो आप इसमें क्या कर रहे हो कि नेटवर्क गेन कर रहे हो, राइट, कि आप किसी से बात कर रहे हो, अपने दोस्तों से या किसी से। आपने कोई सा भी सब्जेक्ट ले रखा हो, राइट, स्कूल टाइम में या किसी भी आप फील्ड में हो, तो आपको कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है सीखनी, और कम्युनिकेशन से ही आपका बिजनेस या आपका जॉब काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। ऐसा कोई जॉब नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां आपको कम्युनिकेशन स्किल्स काम नहीं आते हैं। बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने भी कहा है, आपका कम्युनिकेशन ही आपकी नेट वर्थ है। बात करता हूं दोस्तों इमोशनल इंटेलिजेंस की। वो इंसान दोस्तों जो बहुत जल्दी इमोशनली बेवकूफ बन जाता है, उससे कोई भी चाहे तो इमोशनल फूल करके पैसा ले सकता है। स्कूल में ये चीज़ तो खास करके सिखानी ही चाहिए, क्योंकि कितने रिश्ते हैं जो इमोशनल में टूट जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने से और बहुत ज़्यादा खुश होके कुछ फैसला लेने से ये दिक्कत परेशानी आती ही है। तो अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, ये आना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक नॉर्मल पर्सन लीडर तब बनता है जब वो इमोशनल नहीं होता है। भावनाओं में बहकर लिया हुआ हर डिसीजन हमेशा गलत ही साबित होता है। पांचवें नंबर में आपको बताना चाहूँगा ट्रैवल करने की इम्पोर्टेंस। पैसा कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आपको घूमने की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, क्योंकि इंसान को जो जन्म मिला है वह पृथ्वी पर मिला है, इस सिटी में या आपके एक छोटे से एरिया में नहीं। अगर आपने एक ही जगह पर जिया, एक ही जगह पर आपने अपनी ज़िंदगी जी, राइट, मतलब आपने काम भी वहीं किया, आप जन्म भी वहीं हुए और आपकी डेथ भी वहीं होगी, तो आपने इस दुनिया की बहुत सारी खूबसूरती को मिस कर दिया। ये चीज़ भी दोस्तों स्कूल में सिखाई ही जानी चाहिए कि हमें केवल एक कुएं का मेंढक नहीं बन के रहना चाहिए, बाहर बहुत बड़ा एक समंदर है, हमें वहाँ जाना है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ दोस्तों कि पैसा कहाँ पर सेव करें, राइट, एंड कहाँ उसको फिर लगाएं, इन्वेस्ट करें ताकि वो और गेन हो, इंक्रीज हो। ठीक है दोस्तों, जो भी इस टाइम पे पढ़ाई कर रहा है, राइट, करेगा, ठीक है, तो वो इसीलिए पढ़ाई कर रहा है ताकि वो आगे चल के पैसा कमा सके, अपना नाम कमा सके। तो कमाएगा पैसा, राइट, और उसको कहाँ
इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ सेव करना चाहिए उसे ये भी स्कूल में सिखाना ही चाहिए, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमा तो लिया लेकिन वो उसको संभाल नहीं पाए। तो उनको एक स्कूल में गाइडेंस होनी चाहिए, लाइक एक पर्सन के हाथ में अगर 1,00,000 रुपये आया तो उसको कुछ पैसे को सेव करे सबसे पहले, राइट, और दूसरी जगह उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट भी करे बचे हुए पैसे को। दोस्तों अगर आप जितना ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे उससे उतनी ही ज़्यादा आपके स्किल्स बढ़ती हैं पैसों को और इनक्रीज करने की। और अगर एक बार आपके इन्वेस्टमेंट की स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी तो लोगों को आप अपने लिए हायर कर सकते हो। आने वाले टाइम में आप लोगों को मैनेज कर रहे हो और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, इसमें आप कोई काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ बैठे बैठे दिमाग लगा रहे हो। अब आती है बात कि अपना पैसन कैसे फाइंड करें। तो स्कूल में दोस्तों ये तो बताया जाता है कि कौन सी सब्जेक्ट लेनी चाहिए, बट ये नहीं बताया जाता कि खुद का पैसन क्या है, उसको कैसे फॉलो करें। बल्कि अगर कोई अपने पैसन को फॉलो भी करता है तो उसको भी मना कर दिया जाता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर कोई बच्चा राइटर बनना चाहता है, ठीक है, तो उसको भी डिमोटिवेट कर दिया जाता है और फिर सिंपली सेम डायलॉग पढ़ाई पर फोकस करने के लिए बोल दिया जाता है। तो ऐसा है दोस्तों कि स्कूल में ये भी ज़रूर सिखाना चाहिए कि खुद का पैसन कैसे फॉलो करें, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता बिल्कुल भी। पर जिसको अपने पैशन का पता होता है कि मुझे ये करना है, राइट, तो उसको पढ़ाई के साथ साथ उस चीज़ के बारे में बताना भी चाहिए, साथ साथ उसको मोटिवेट करते रहना चाहिए कि वो अपना पैशन छोड़े नहीं, क्योंकि 24 घंटे बहुत होते हैं मल्टीपल वर्क्स करने के लिए, साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी में सारे काम करने के लिए। नंबर 8 कि सक्सेस के प्रिंसिपल्स क्या क्या है, कि कामयाबी किसे बोलते हैं, कब बोलेंगे कि ये इंसान कामयाब हो गया है, और उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ फॉलो करेंगे कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा। हफ्ते में एक क्लास तो ऐसी होनी चाहिए दोस्तों कि आपने जो सब्जेक्ट लिया है कि उसमें सक्सेसफुल आप कैसे हो सकते हो उसके बारे में उसको मोटिवेट करना चाहिए, बच्चों को उसको नॉलेज देनी चाहिए। तो दोस्तों सक्सेसफुल लोगों का रेशियो जो है अपने आप ही ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और उस क्लास में उसको बताना चाहिए कि कितने सक्सेसफुल लोग हैं इस चीज़ की वजह से, कि उन्होंने कैसे सक्सेस अचीव की। लाइक साइंस का कोई सब्जेक्ट है, साइंस में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन लोगों के बारे में बताना चाहिए। अगर कॉमर्स में है तो कॉमर्स के बारे में जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं उनके बारे में बताना चाहिए। इस टाइम पे भी बिजनेस कर रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहे हैं उनके बारे में भी बताना चाहिए, कि हर सब्जेक्ट में उन बच्चों को उनकी एक इंस्पिरेशन मिले। नंबर 9 दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम जो है वो पैसों से भी कहीं गुना ज़्यादा वैल्यूएबल है। मतलब दोस्तों सच में अगर आप एक पल को, टाइम को पैसों से भी कहीं गुना ज़्यादा वैल्यू देकर देखो, जितनी इच्छा आप पैसा कमाने की रखते हो उससे कहीं गुना ज़्यादा इच्छा रख कर देखो एक बार टाइम को मैनेजमेंट करने की, उनसे सीखो। टाइम को अगर आप अच्छे से मैनेज करते हो तो वो आप 5 सालों के अंदर ही बन जाओगे जो कि आपको 10 से 15 सालों में बनना होता है। ये स्कूल में सिखाया ही जाना चाहिए कि टाइम को कैसे मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट पे दोस्तों काफ़ी ऐसे वगैरह तो लिखवाए जाते हैं, लेकिन टाइम को यूज़ करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी होती हैं, कुछ हैक्स भी होते हैं जिससे कम टाइम में ज़्यादा चीज़ कर सकते हैं। वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से और हर सब्जेक्ट में सिखाई जानी चाहिए कि किस तरह से एक स्टूडेंट अच्छे से टाइम को मैनेज करके बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ सकता है। नंबर 10 दोस्तों, हाउ टू सेल, कैसे बेचा जा सकता है, बेचना आना चाहिए। आप कहोगे ये तो मार्केटिंग का पार्ट है, लेकिन हर इंसान कुछ ना कुछ बेचता ही है। डॉक्टर है तो वो अपना टाइम बेच रहा है, अपनी स्किल्स बेच रहा है। स्पीकर है तो वो अपना कॉन्टेंट बेच रहा है, अपनी स्पीच बेच रहा है। अगर राइटर है तो वो अपने थॉट्स बेच रहा है। अगर कोई सलाहकार है तो अपना समय बेच रहा है। हर फील्ड में हाउ टू सेल की स्किल आनी ही चाहिए दोस्तों। बेचने की भी दोस्तों काफ़ी स्किल्स होती हैं कि सामने वाले की ज़रूरत क्या है पहले तो उसका पता करो, फिर वो ज़रूरत अगर पता लगा ली है तो उस ज़रूरत की चीज़ को डिलीवर कैसे करें, ऐसे आगे वाले को अपना प्रोडक्ट अपनी सर्विस को बेचें। केवल कमाने के लिए ही नहीं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ में आपकी वैल्यू ऐड होती जाए, ये सब कुछ स्कूल में सिखाया जाना चाहिए। नंबर 11 पे आता है फेस फेलियर, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों इस पॉइंट को। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि फेलियर को अगर एक्चुअल में देखा जाए तो वो केवल एक स्टेप होता है, एक्चुअल में कोई फेल होता ही नहीं है, वो केवल एक स्टेप और आगे बढ़ चुका है, और ये केवल एक पॉइंट है। ऐसी हर क्लास में टीचरों को ये बताना चाहिए कि अगर आप इस सब्जेक्ट में फेल हो जाओ तो आपको इसको फेस कैसे करना है। लेकिन दोस्तों होता ये है कि ज़िंदगी में फेल होना तो बहुत दूर की बात, अगर आप किसी एक
क्लास के छोटे से टेस्ट में भी अगर आप फेल हो जाते हो, उसकी हालत खराब कर दी जाती है। जितना आदमी कोई बड़ा काम करने से नहीं डरता, उससे पहले मैं एग्जाम के एक दिन पहले डरता था, क्योंकि डर था फेल होने का। क्या हो अगर स्टूडेंट्स के अंदर फेल होने का डर ही ना हो, स्टूडेंट्स को बहुत मजे से पढ़ाया जाए, उनकी स्टडी बहुत अच्छे से कराई जाए, उनको इंटरेस्ट आ रहा है, अगर एग्जाम का डर हटा है और पढ़ाई वो फिर भी कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों उनका इंटरेस्ट आ चुका है पढ़ाई में, कुछ इस तरह से पढ़ाया जाए कि पढ़ाई उन बच्चों के लिए बोझ लगे ही ना, एग्जाम उनके लिए एक मैच हो। दोस्तों अगर आपको ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं अगर आपको पसंद आए तो शुरुआत आपको ही करनी होगी, राइट। तो इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, राइट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ।